हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट कॉमन है, जिसमें से लगभग 70% तो कॉमन है, बाकी 30% डिफरेंट है। तो एक बारी पहले आप देख लेंगे, सामने सिलेबस लिखा हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग में इस सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। पहले इसका नाम सॉम हुआ करता था, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बट नई वाली बुक में इसका नाम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स है, ठीक है। एंड मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए इसका नाम है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, शॉर्ट में इसको हम मॉस कहते हैं। तो ये सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का सिलेबस है और ये मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस है। 9 ही चैप्टर आपके सॉम में है और 9 ही चैप्टर मॉस में है, जिनमें से कि 6 चैप्टर दोनों में कॉमन है, सिविल और मैकेनिकल में। 3 चैप्टर डिफरेंट हैं, जिन पे मैंने स्टार बना रखा है। ये 3 सिविल के लिए अलग हैं और ये वाले 3 मैकेनिकल में डिफरेंट हैं, ठीक है। बाकी 6 चैप्टर दोनों में कॉमन है। तो हम किस प्रकार से पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को? तो दोस्तों, सबसे पहले हम सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स साथ मिलकर के पढ़ेंगे कॉमन वाला पार्ट, ठीक है। आपके पास चाहे जो भी बुक हो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, टॉपिक ऑलमोस्ट अंदर बिल्कुल सेम है। चैप्टर के नाम में थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन बिल्कुल सेम है पूरा चैप्टर। मैंने दोनों बुक देखी हैं, दोनों बच्चे हमारे पास ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ते हैं सिविल और मैकेनिकल के। तो 6 चैप्टर तो बिल्कुल कॉमन है इसमें। ये जो 3 चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं जिन पर स्टार बना हुआ है डिफरेंट वाले, इनको हम अलग से डेडिकेटेड क्लास में करेंगे, जिसकी प्लेलिस्ट अलग रहेगी। सिविल के लिए इन 3 चैप्टर को अलग से पढ़ाया जाएगा, मैकेनिकल के लिए इन 3 चैप्टर्स को अलग से पढ़ाया जाएगा, बाकी 6 चैप्टर हम साथ मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार आप इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें कि 9 चैप्टर हैं दोनों में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सिलेबस समझ आ गया होगा। आप मैं इनके नाम पढ़ करके यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ताकि हम थोड़ा कंटेंट कुछ पढ़ सकें, इसलिए उस पर सीधे चलते हैं। ये आपकी बुकों में भी सिलेबस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, ठीक है। ये सिविल के लिए पहला चैप्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, और इधर मैकेनिकल के लिए है इंट्रोडक्शन टू मटेरियल प्रॉपर्टीज। दोनों का मतलब सेम ही है, बस नाम डिफरेंट लिख दिया है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल लिखा है या मटेरियल प्रॉपर्टीज लिख दिया है, एक ही मतलब है। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और क्लास काफ़ी डिले हो गई, काफ़ी दिन से मैं कोशिश कर रहा था कंटिन्यू क्लास को कर पाऊँ, बट अब से रेगुलर क्लास रहेंगी, बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। पर डे आपको 2 लेक्चर मिलते रहेंगे, एक सॉम का मिलेगा, दूसरा मैथमेटिक्स का मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और इनको भी बहुत कम टाइम में जल्दी कवर कर लेंगे। अच्छा, मेरा जो पढ़ाने का थोड़ा सा पैटर्न रहेगा दोस्तों, मैं SSC JEE को भी माइंड में रखते हुए आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सॉम सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको इन फ्यूचर भी पढ़ना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। जब आप JEE वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे या BTech करेंगे, तो तब भी आपको पढ़ना होगा। इसीलिए हम अभी से बेसिक को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि आपको दोबारा आप जीवन में कभी भी पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना आए समझने में, ठीक है। तो थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे और फिर आपका डिप्लोमा का तो इजीली हो ही जाएगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान ना हो, समझने पर ज़्यादा फोकस करेंगे। नोट्स की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको, 2 तरह के नोट्स मैं आपको दूंगा, और नोट्स सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। टेलीग्राम पर लिंक मिलेगा आपको, नोट्स का PDF मिलता रहेगा, ठीक है। जितना भी पढ़ाऊंगा पर डे आपको PDF दूंगा टेलीग्राम पर, हैंड रिटन नोट्स का, जो कि हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं उनका PDF भी मिलेगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितना होगा आप अपनी बुक से करेंगे। मैं भी आपको यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। मैं पूरी थ्योरी नहीं भी लिख पाऊँ तो आपको परेशान नहीं होना, नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा बोर्ड पर भी लिखने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाएंगे सभी बच्चे, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर लिख लीजिए सभी बच्चे, सिविल वाले भी और मैकेनिकल वाले भी। पहले चैप्टर का नाम है हमारा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अपनी बुक के अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा आप, हालांकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, हिंदी में कहते हैं इसको पदार्थों के गुण। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों इसे, पदार्थों के गुण बोलते हैं। अभी इंक भरा है इसमें, थोड़ा फ्लो कर रहा है, कोई बात नहीं। पदार्थों के गुण, पहला ही लेक्चर है, थोड़ा इफेक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आगे भी पढ़ाने में मजा आए हमें। पदार्थों के गुण, ठीक है। पदार्थों के गुण पढ़ने से पहले हम जो सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं 4 से 5 मिनट में, ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। यानी कि सब उससे भी पहले हम देखेंगे किसकी डेफिनेशन, सॉम की डेफिनेशन या फिर मॉस की डेफिनेशन, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन सेम ही है, बस नाम डिफरेंट है। अब इसकी डेफिनेशन समझने से पहले आपको मैंने सबसे पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था एक सब्जेक्ट जिसका नाम था मैकेनिक्स। क्या नाम था? मैकेनिक्स, समझते चलिएगा। मैकेनिक्स नाम था, हिंदी में यांत्रिकी बोलते हैं, यांत्रिकी।
मैकेनिक्स, मैंने आप सभी को बताया था मैकेनिक्स की तीन ब्रांच होती हैं, कितनी, तीन। पहली ब्रांच बताई थी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सबसे पहली ब्रांच, ठीक है। दूसरी ब्रांच मैंने कहा था मैकेनिक्स की, जो दूसरी ब्रांच होती है सेकंड, वो होती है आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है, दो, ये वाला, दोनों का मतलब सेम ही है। और तीसरी जो ब्रांच मैंने बताई थी दोस्तों आपको, तीसरी ब्रांच का नाम बताया था मैंने फ्लूड मैकेनिक्स, फ्लूड मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स की टोटल तीन ब्रांच हो गई, फ्लूड मैकेनिक्स, ठीक है। शॉर्ट में इसको एफएम कहते हैं, शॉर्ट में एफएम, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन, एचएचएम। तो मैं जब आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके, यानी पढ़ लेंगे, तब कहा था। और ये कहा था सोम और मॉस या फिर फ्लूड मैकेनिक्स या एचएचएम, ये हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। डेट मीन्स अब आप सभी सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट की स्टडी करनी है। सोम खत्म होने के बाद सिविल वाले बच्चों के लिए एचएचएम भी शुरू कर देंगे और केमिकल वाले बच्चों के लिए एफएम भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो आप लोग। तो एक बार इनको थोड़ा जस्ट रिवाइज करना जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या थी? मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स की स्टडी करते हैं, बलों का अध्ययन करते हैं, तो उसे तो मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है ना। स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडीज इज कॉल्ड मैकेनिक्स। अब बॉडी कैसी कैसी होंगी, जिस तरह की बॉडी पर हम स्टडी करेंगे फोर्स की, उसी के हिसाब से इसकी अलग अलग ब्रांचों की डेफिनेशन हो जाएंगी। जैसे कि अगर मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करूं, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं फोर्स की, स्टडी ऑफ फोर्सेस, स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडी। कैसी बॉडी दोस्तों? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी को हिंदी में हम कहते हैं दृढ़ पिंड। क्या कहते हैं? दृढ़ पिंड। यानी जब हम दृढ़ पिंडों पर बलों का अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अगर सोम की या मॉस की बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो स्टडी ऑफ फोर्स, आप ये भी कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्स, स्टडी ऑफ फोर्स ऑन ऑन डिफॉर्मेबल बॉडी। कैसी बॉडी दोस्तों? डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं हिंदी में विरूपक पिंड। मैं दोनों के बारे में बताऊंगा कौन कौन सी बॉडी क्या क्या होती है, थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन है अभी के लिए। विरूपक पिंड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे बेसिक को, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बोर कोई नहीं होगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब हम विरूपक पिंडों पर, यानी यांत्रिकी की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत विरूपक पिंडों पर बलों का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, यानी ठोस, ठोसों की यांत्रिकी, आई थिंक हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्स ऑन डिफॉर्मेबल बॉडीज इज कॉल्ड सोम और मॉस, ठीक है। तीसरा है हमारा फ्लूड मैकेनिक्स। फ्लूड मैकेनिक्स में क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ फोर्स ऑन, अब फ्लूड मैकेनिक्स, फ्लूड आप सभी जानते हैं तरल पदार्थ, तो इसमें हम फ्लूड्स के ऊपर स्टडी करेंगे। किस पे? फ्लूड्स पर, यानी तरल पदार्थों पर, तरल पदार्थ। दोस्तों तरल पदार्थ में हमारे दोनों चीज़ आती हैं, वाटर भी आता है और गैस भी आता है, ठीक है। आगे जब आपको पढ़ाएंगे तब अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़, तो यहाँ पर हमने क्या देखा? दृढ़ पिंड, विरूपक पिंड और तरल पदार्थ। तरल तो आप सभी जानते हैं, जैसे गैस हो गई, वाटर हो गया, ये सब तरल हैं आपके। एंड जो सॉलिड होते हैं उनके दो टाइप अलग अलग कर दिए, रिजिड बॉडी, दूसरा डिफॉर्मेबल। दोनों में डिफरेंस क्या, थोड़ा सा समझेंगे। ये कोई बॉडी है, अब अगर आप इस बॉडी पर, आपने सपोज यहाँ नीचे से फिक्स कर दिया बॉडी को, अब आप इस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो इसके पार्टिकल के बीच में, ये जो पार्टिकल हैं, इनके पार्टिकल के बीच में कोई भी मूवमेंट ना हो, यानी कि इन पार्टिकल को, किसी भी बॉडी के पार्टिकल के बीच में फोर्स लगाने पर अगर कोई रिलेटिव मोशन ना हो, कोई भी सापेक्ष गति उत्पन्न ना हो, तो उसे हम कह देंगे बॉडी कैसी है? रिजिड बॉडी है। यानी अगर आपने नीचे से फिक्स नहीं भी किया होता इसको, सपोज आपने नॉर्मली इसी तरह से रखा बॉडी को, ये बॉडी है, आपने फोर्स लगाया, तो ये बॉडी डिफॉर्म नहीं होगी, बॉडी के पार्टिकल बिल्कुल मूव नहीं होंगे, बल्कि पूरी की पूरी बॉडी आगे मूव कर सकती है। ये बॉडी यहाँ से यहाँ तो आ जाएगी, लेकिन
इसके बॉडी के शेप और साइज में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जिसका शेप और साइज ना बदले बल लगाने पर समझ लो रिजिड बॉडी है। समझ पा रहे हैं? रिजिड बॉडी मतलब जिसके शेप और साइज में चेंजिंग ना हो, जो फोर्स को विरोध कर सके, बल का विरोध कर सके, ठीक है ना, वो रिजिड होगी। डिफॉर्मेबल में क्या होगा? डिफॉर्मेबल बॉडी में जैसे ये कोई बॉडी है, आपने यहाँ बॉडी रखी हुई है, थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं डायग्राम। ये बॉडी है, आपने नीचे से सपोज इसे फिक्स कर दिया, यहाँ से फिक्स कर रखा है, इधर से आपने फोर्स लगाया, ठीक है, यहाँ से फोर्स लगाया, या फिर आपने इधर से फोर्स लगा के इसे खींचा इस तरह से, सुनिएगा ध्यान से, समझ में आ जाएगा। यहाँ से फोर्स लगा के आप खींच रहे हैं इसको, तो होगा क्या दोस्तों, ये बॉडी के जो पार्टिकल है ना, वो अपने स्थान से मूव कर जाएंगे। मूव करने का मतलब क्या, जो पार्टिकल यहाँ था वो इधर आगे आ जाएगा, जो पार्टिकल यहाँ था वो इधर आगे आ जाएगा, ये इस तरह से टेढ़ी हो जाएगी बॉडी। इसके शेप और साइज क्या हो गए दोस्तों, चेंज हो गए। ये जो आपने फोर्स लगाया इसके ऊपर, इस फोर्स के कारण ये बॉडी पहले यहाँ थी सीधी इधर, अब बॉडी ऐसे टेढ़ी हो गई। समझ पा रहे हैं? यानी बॉडी डिफॉर्म हो गई आगे की तरफ, बॉडी का शेप और साइज चेंज हो गया, तो हम कह देंगे डिफॉर्मेबल बॉडी है। इसमें हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेन यानी विकृति, आप सभी जानते हैं, लंबाई में परिवर्तन और वास्तविक लंबाई, यानी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, जिसकी सिंपल भाषा में जिसकी शेप और साइज बदल जाए फोर्स लगाने पर, समझो डिफॉर्मेबल बॉडी है। जिसकी शेप और साइज ना बदले, समझो रिजिड बॉडी है, ठीक है, तरल, आप सभी जानते हैं। तो मैंने ये बेसिक सा आपको एक इंट्रोडक्शन बता दिया, डेफिनेशंस वगैरह बता दी इनके पार्ट्स के। अब हम सोम में जो पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। आप इसका साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने नोट्स में बनाने के लिए, आपको हेल्प मिलेगी इससे आगे के लिए। और सोम के नोट्स आप अच्छे बनाना, ताकि आप दोबारा भी कभी पढ़ें तो आपको थोड़ा सा याद रहे कि हाँ, हम गौरव सर से पढ़े थे और अब हमें कोई दिक्कत नहीं है सोम पढ़ने में, ठीक है। और हम पढ़ेंगे, मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगा, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, आपके क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं बनेंगे, ठीक है। एक बारी पहले कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत सारी कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिख लीजिए, सभी हेडिंग लिखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी। क्या पढ़ेंगे? इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी। तो पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आप इसका PDF भी डाउनलोड कर लेना, इसके अलावा बोर्ड पे भी लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता, ठीक है, प्रत्यास्थता। क्या होती है इलास्टिसिटी? जब भी आप भूल जाएं, मैं आपको चीज़ों को प्रैक्टिकली समझाऊंगा, जिससे आप अगर इन फ्यूचर भूल जाते हैं तो आपको आसानी से याद आ जाए। इलास्टिसिटी का मतलब है इलास्टिक, कभी सुना होगा आपने इलास्टिक, इलास्टिक सुना है, हाँ, इलास्टिक बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने। जैसे रबर, रबर देखिए, रबर तो सभी ने देखी होगी, ठीक है, जो रबर होती है वो इलास्टिक होती है। कैसी होती है? इलास्टिक। ऐसे आपने स्प्रिंग देखी है सभी ने, स्प्रिंग, स्प्रिंग जो होती है स्टील वाली या लोहे वाली स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग भी क्या होती है? इलास्टिक। अब इनको देख करके आपको कैसे डेफिनेशन देनी है, ध्यान से सुनेंगे। आपने रबर को देखा है, रबर को बल लगा के अगर आप खींचते हैं, ठीक है, गर्ल्स वगैरह जो बालों में लगाती हैं, गर्ल्स, उनके पास भी रबर रहती है, उसे पकड़ के खींचेंगे तो खींच जाती है, लंबाई बढ़ जाती है बल लगाने पे, एंड अगर बल हटा लें फिर से रबर वहीं आ जाएगी। अब पकड़ के खींचना किसी रबर को, ऐसे खींच जाएगी, जैसे आपने फोर्स हटाया फिर से वहीं आ जाएगी जहाँ थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद डेफिनेशन भी लिख देंगे। ये कोई बॉडी है, थोड़ा ऊपर से बनाते हैं ताकि तीनों डायग्राम आ जाए, इसमें तीन डायग्राम बनेंगे आपके आसान आसान से। ये कोई बॉडी है दोस्तों, ये क्या कोई बॉडी जिसकी लंबाई एल है, ठीक है, आपने इस पर कोई फोर्स लगाया, जब आपने फोर्स लगाया तो इसकी लंबाई बढ़ गई, क्या हो गई? इसकी लंबाई बढ़ गई। अब लंबाई बढ़ेगी तो मोटाई कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, पहले यहाँ तक थी, अब इसकी इतनी लंबाई आगे को ये बढ़ गई, पहले ये यहाँ तक थी सिर्फ, अब इधर को लंबाई कुछ बढ़ गई, ठीक है, कितनी लंबाई बढ़ गई इसकी, तो मोटाई थोड़ी कम कर देना, पहले ज़्यादा थी थोड़ी सी कम कर देंगे यहाँ पर। तो ये क्या हुआ, यहाँ से फोर्स लगाया आपने, तो फोर्स लगाने पर पहले तो L थी ये, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, अब ये डेल्टा L लंबाई और बढ़ गई इसकी, यहाँ से यहाँ तक ये डेल्टा L लेंथ बढ़ गई, ठीक है। एंड अगर आपने इस फोर्स को हटा लिया, समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ तक लंबाई बढ़ गई है यहाँ तक, ठीक है, एंड अगर आपने ये फोर्स रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो बॉडी फिर से यहाँ से यहीं आ जाएगी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में, ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगी ये, ठीक है, जैसी थी बॉडी यहीं तक थी यहाँ तक, तो सेम वैसी हो जाएगी, मोटाई भी बढ़ जाएगी, लंबाई भी कम हो जाएगी, मतलब जैसी पहले थी सेम वैसी ही हो जाएगी। ये कब हो गई? जब आपने फोर्स को रिमूव कर दिया,
फोर्स को रिमूव कर दिया, मतलब वन को आपने हटा दिया, तो फिर से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ गई, जो कि लंबाई इसकी एल थी, एल ही लेंथ पर ये फिर से आ गई। तो यहाँ से देख के आपको क्या समझ आ रहा है, अब डायग्राम से, बुक में आपकी मैं डायग्राम नहीं दे रखी, आप यहाँ से समझ के क्लियरली नोट्स बनाएंगे साफ साफ ताकि याद हो सके। तो यहाँ से आप डिफाइन कीजिए, कैसे डिफाइन करेंगे, किसी भी पदार्थ का वह गुण, सुनिएगा ध्यान से, हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुनेंगे पहले फिर इंग्लिश वाले, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिस पर बल लगाने पर उसका शेप और साइज बदल जाता है, आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है, और जब बल हम हटा लेते हैं तो यह वस्तु पुनः अपने उसी आकार और आकृति में आ जाती है जिसमें कि पहले थी, पुनः अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज गेन कर लेगी ये, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या, तो पदार्थ का ये जो गुण है इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी, और इस पदार्थ को कहेंगे हम इलास्टिक, और ये पदार्थ हो गया इलास्टिक, और इसमें जो लंबाई में चेंज हुआ है इसको हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं, लंबाई डिफॉर्म हुई, लंबाई बढ़ी, ठीक है, लेकिन कैसी है, इलास्टिक है ये, जैसे हटाएंगे फिर से वापस आ जाएगा। एग्जांपल आपने देख लिया, रबर हो गया, स्प्रिंग हो गया, स्टील हो गया, स्टील की होती है हालांकि स्प्रिंग, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये एक निश्चित लिमिट तक ही इलास्टिक होते हैं, उसके बाद फिर ये प्लास्टिक बिहेव करने लग जाते हैं, उसी लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, हम फर्दर आगे पढ़ेंगे फिर से। तो ये बताइए, सभी को डेफिनेशन क्लियर है डायग्राम की हेल्प से? अब मैं एक बार बोर्ड पर लिख देता हूँ इस डेफिनेशन को, ताकि आप साथ साथ नोट्स बना सकें, इसके अलावा पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, पहले आप डायग्राम बनाइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों डेफिनेशन मैंने लिख दी है, आप सभी इसको नोट कर लेंगे, और ये हिंदी में लिखी हुई है डेफिनेशन, टेक्निकल टर्म मैंने इंग्लिश में भी लिखे हैं, तो जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, वे सभी प्लीज करके अपनी बुक से नोट्स बनाएंगे, आपको मैं यहाँ समझाऊंगा, तो आपको यहाँ से देख करके फिर वहाँ से नोट्स बना लेना, इजीली आप बना सकते हैं देख करके, ठीक है। दोनों में यहाँ लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और मैं समझता हूँ कि जो सोम हमारा सब्जेक्ट है इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है, न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है, तो न्यूमेरिकल मैं दोनों ही लैंग्वेज में कराऊंगा, लिखवाऊंगा भी दोनों लैंग्वेज में ही, अभी के लिए थ्योरी पार्ट में या इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, हिंदी में प्रोवाइड कर रहा हूँ, इंग्लिश में आप थोड़ा बुक की हेल्प ले सकते हैं, इसके अलावा टेक्निकल टर्म आपके सामने लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख के भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए इसको जल्दी से। चलिए अब मूव करते हैं हम सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर, हटा दें इसे, पहली प्रॉपर्टी को रफ करते हैं और देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। अब आपको इसमें इलास्टिसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी हिंदी में इसको हम कहते हैं, दो नाम है हिंदी में, एक तो प्लास्टिकता, प्लास्टिकता, या फिर या दूसरा नाम होता है इसका सुघट्यता, कुछ बुकों में प्लास्टिकता लिखा है, कुछ में सुघट्यता लिखा है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक, आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है, फिर भी आपको मैंने बोल दिया है। अब चलिए समझते हैं, ये इलास्टिसिटी का बिल्कुल उल्टा होता है, उल्टे से मतलब क्या है, जैसे आपने वहाँ पर एक बॉडी ली थी, ये कोई बॉडी है, ये आपने बॉडी लेके इस पर फोर्स लगाया था, कोई एफ फोर्स, फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाने से क्या हुआ, पहले इसकी लंबाई सपोज एल थी, यहाँ से यहाँ तक लंबाई एल है ये, एंड फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, इसकी लंबाई ये तो एल थी, यहाँ तक लंबाई बढ़ गई, और जब भी लंबाई बढ़ती है तो चौड़ाई कम हो जाती है, सपोज ये लंबाई बढ़ गई, यहाँ तक बढ़ गई इतनी, ये यहाँ तक ये लंबाई बढ़ गई इसकी, समझ पा रहे हैं, मैं अलग कलर का यूज़ कर ले रहा हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, ये इतनी लेंथ इसकी बढ़ गई, ठीक है, ये वाली इधर की, तो L थी पहले, पहले L थी लेंथ, और अब इसकी ये लेंथ डेल्टा L बढ़ गई, कब बढ़ी है, जब आपने ये फोर्स लगाया, यहाँ तक तो हमने देखा था, इतना तो इलास्टिसिटी में भी था, प्लास्टिसिटी में भी है। अब यहाँ से आगे जैसे ही आप इस पर से फोर्स हटाएंगे, ये फोर्स हटाएंगे तब भी ये जो इसकी लंबाई बढ़ी है, ये यहाँ से आगे ये लंबाई बढ़ी थी, इधर देख पा रहे हैं सभी, तो फोर्स हटाने के बाद भी दोस्तों ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएगा, ठीक है। ये एल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये डेल्टा एल है, तो क्या देखा आपने, यहाँ से फोर्स रिमूव कर दिया, यहाँ से आपने रिमूव कर दिया फोर्स को, रिमूव फोर्स,
फोर्स को हटा दिया, और फोर्स को हटाने के बाद भी ये जो वस्तु थी आपकी दोबारा से इसी शेप और साइज में नहीं लौटी, तो ये क्या हो गई? प्लास्टिसिटी। अच्छा, जैसे मैंने आपको इलास्टिसिटी में एग्जांपल बताया था, आप रबर से याद रख सकते हैं, आप प्लास्टिसिटी में प्लास्टिक की जो पॉलीथिन आती है ना, आप उससे याद रख सकते हैं। कैसे? प्लास्टिक की पॉलीथिन आपके पास है, पकड़ के खींच दो उसको, खींचेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और जब उसे छोड़ देंगे तो क्या फिर से वो जैसी पहले थी वैसी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। उसकी शेप और साइज एक बार चेंज हो गई तो फिर परमानेंटली चेंज हो जाएगी। डैट मीन्स इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, इसमें स्थायी विरूपण होता है। क्या होता है? इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। हिंदी में कहते हैं इसको स्थायी विरूपण। ठीक है, स्थाई लिखने के दो तरीके, ऐसे भी लिख सकते हैं या बना के भी लिख सकते हैं, स्थाई विरूपण। समझ पा रहे हैं? परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है इसमें, प्लास्टिसिटी के केस में ये बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो गई बल लगाने के बाद। आपने हटा भी लिया फोर्स, तब भी ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं लौटी। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर बल लगाते हैं तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है, और जब इस बल को हटा लेते हैं तो उसके बाद भी यह अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं जाती वापस, पुनः अपने वास्तविक आकार और आकृति में नहीं जाती। तो ऐसी बॉडी को कहते हैं प्लास्टिक बॉडी, एंड इस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। सभी को समझ आ रहा है ना? बहुत सिंपल है, टेक्निकल टर्म में दोनों लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ। अब मैं इसको रफ करके डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप डायग्राम बना लीजिए एक बारी, फिर आप डेफिनेशन को भी नोट कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो दोस्तों मैंने प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन लिख दी है, आप सभी नोट कर लेंगे इसे। इसके अलावा मैंने इलास्टोप्लास्टिक की डेफिनेशन भी साथ में लिख दी है। अभी के लिए आप पहले इसे नोट कर लो एक बार, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तीसरी प्रॉपर्टी को समझा देता हूँ। टाइम बचाने के लिए मैंने दोनों साथ में लिख दी हैं। तो ये तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, मैं समझा चुका आपको कि यदि किसी पदार्थ पर बल लगाने के बाद उसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाए, और बल हटाने के बाद वह ओरिजिनल शेप एंड साइज ग्रहण नहीं कर पाती है, तो ऐसे पदार्थ को हम प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं, और पदार्थ के इस गुण को प्लास्टिसिटी कहते हैं। ये आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ, और जो नीचे लिखा हुआ है मैं इसको एक बार समझा दूँ आपको। ठीक है, देखिए इजीली समझ में आ जाएगा, आप अच्छे से समझेंगे। हमने क्या क्या देखा? हमने देखा, अब ये लास्ट टाइम फिर से समझा रहे हैं आपको, अच्छे से समझ लीजिए एक बार में। हमने देखा, क्या देखा हमने? कि जैसे ये कोई बॉडी है, आपने इस पर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से क्या हुआ? इस बॉडी की लंबाई बढ़ गई। इस पर आपने जैसे ही फोर्स लगाया तो इसकी लंबाई बढ़ गई, और जब भी लंबाई बढ़ती है तो चौड़ाई थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, ये आप सभी देख पा रहे होंगे। यहाँ से पहले लंबाई L थी, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? L लंबाई से ये लंबाई इधर को और बढ़ गई। कितनी? डेल्टा L बढ़ गई, जब फोर्स आपने F लगा रखा है तब। ठीक है, अब इसके बाद से हमने तीन अलग अलग प्रॉपर्टी देखी। पहली प्रॉपर्टी क्या देखी? सबसे पहली प्रॉपर्टी में हमने देखा कि अगर ये बॉडी लौट करके फिर से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में पहुँच जाती है तो उसे हमने इलास्टिसिटी कह दिया। ठीक है, एंड अगर ये नहीं पहुंचती है अपने ओरिजिनल शेप और साइज में तो हमने उसको प्लास्टिसिटी कह दिया। अब आपके माइंड में एक चीज़ ये भी आ रही होगी कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो बॉडी है ये पूरी पूरी वापस ना हो, लेकिन कुछ वापस हो जाए? ऐसा भी तो हो सकता है, जो पूरी रिटर्न हो गई वापस, जो अपनी टोटल ओरिजिनल शेप और साइज में आ गई वो तो इलास्टिसिटी हो गई, और जो बिल्कुल नहीं लौटी वो प्लास्टिसिटी हो गई। और ऐसी भी तो कंडीशन आएगी जब ये क्या होगा, पीछे तो लौटेगा लेकिन पूरा पूरा ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएगा, बल्कि बीच में कहीं यहाँ तक ही वापस लौटेगा। ये कहाँ तक? ये तो यहाँ तक तो इसकी ओरिजिनल लंबाई है, ये वाली जो पहले लंबाई L थी वो ये है। ठीक है, यहाँ तक। एंड इसके अलावा क्या हुआ? ये इसकी लंबाई टोटल बढ़ने के बाद थी तो ये कुछ रिटेन हो गया, वापस यहाँ तक आ गया। सपोज टोटल ना लौट करके कितना, कुछ लंबाई तक वापस लौट गया, इतनी लंबाई है वापस लौट गया। बल हटाने के बाद, फोर्स को रिमूव करने के बाद, जब आपने फोर्स को रिमूव कर दिया तो उसके बाद ये पूरा पूरा ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं पहुंचा, लेकिन कुछ वापस लौट गया, कुछ वापस लौटा। तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं
इलास्टो प्लास्टिक, इसमें दोनों गुण हैं, इलास्टिक के भी प्लास्टिक के भी। कैसे? इलास्टिक के तो ये गुण होगा कि यहाँ से यहाँ तक ये पीछे अपनी पुनः ओरिजिनल शेप और साइज में लौटने की इसने कोशिश की यहाँ पर, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक क्यों हो गया? क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं लौटा, इतनी लंबाई तो फिर भी इसकी बड़ी रही, समझ पा रहे हैं। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अब आप इसको रिलेट करके डिफाइन कर सकते हैं। ये तो एल था, लेकिन यहाँ पर आपने देखा डेल्टा एल यहाँ से और यहाँ तक था डेल्टा एल, तो पूरा डेल्टा एल रिटर्न नहीं हुआ, डेल्टा एल में से कुछ लंबाई वापस हो गया, कुछ लंबाई बढ़ी रही। तो इसको क्या बोलेंगे? यदि किसी पदार्थ पर बल लगाने से उसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाती है और बल हटाने के बाद वह आंशिक रूप से, कैसे? आंशिक रूप से ओरिजिनल शेप एंड साइज ग्रहण कर पाता है, तो ऐसे पदार्थ को इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल कहते हैं और इस गुण को हम इलास्टोप्लास्टिक कहते हैं, समझ पा रहे हैं। यहाँ इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल बोलेंगे और प्रॉपर्टी को केवल इलास्टोप्लास्टिक बोल देंगे। तो डेफिनेशन सिंपल है, जब क्या होगा, अगर ये पूरा पूरा वापस लौट जाता तो इलास्टिसिटी, बिल्कुल वापस ना लौटे तो प्लास्टिसिटी, और कुछ लंबाई यानी आंशिक रूप से ओरिजिनल शेप और साइज को ग्रहण कर रहा है तो इलास्टोप्लास्टिक, ठीक है। इसमें दोनों प्रॉपर्टियाँ, ये आपके डिप्लोमा की बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन आपको कोई कैसा भी कन्फ्यूजन ना रहे, इसके लिए मैं आपको हर छोटी छोटी चीज़ को भी बताता चलूँगा। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूंगा, बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी पता है बच्चों को कहाँ दिक्कत हो सकती है। तो आपको जहाँ भी दिक्कत आएगी मैं बिना आपके पूछे ही बता दूंगा, फिर भी कोई डाउट आपका रह जाएगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल लाइव जैसा ही मज़ा आएगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, लाइव में आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है कमेंट्स पढ़ने में, और मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर भी करता चलूंगा। फिर भी कुछ मन में डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा, ठीक है। आप कोई फालतू कमेंट ना करें, सिर्फ जनरल कमेंट करें, मैं आपके सभी कमेंट्स को सीन करके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी आप अच्छे से समझ गए, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और इलास्टोप्लास्टिक। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टीज की, हटा दें। इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज आपकी बुक में मिलेंगे, जो नहीं मिलेंगे वो इनसे रिलेटिव होंगी, तो नोट्स में आप जरूर लिखेंगे, भले ही आपके डिप्लोमा के एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन फ्यूचर में आपको काम जरूर आएगी। चलिए अब बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी के बारे में। तो चौथी और पाँचवीं दो प्रॉपर्टी को एक साथ समझेंगे। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी हिंदी में इसको तन्यता कहते हैं, तन्यता, ठीक है, डक्टिलिटी। पहले इसको समझ लो, फिर पांचवी मैलेबिलिटी आएगी, उसको भी समझ लेंगे। मैं नाम लिख दे रहा हूँ आपके सामने एक बारी, ताकि मैं दोनों को डिफाइन कर पाऊँ एक साथ अच्छे से। अगली जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? मैलेबिलिटी, एविलिटी, मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं हम आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, बहुत बड़ा नाम है हिंदी में, आघात वर्धनीयता, या एक और नाम होता है इसका कुट्यता। एक और नाम क्या है? कुट्यता। ये दो प्रॉपर्टी और समझते हैं हम, ठीक है। डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी दोनों को साथ में याद करेंगे, आपको इजीली याद होगा, ध्यान से सुनेंगे और सामने देख के समझिए अच्छे से। देखिए यहाँ पर आपके पास कोई एक बॉडी है, ये कोई भी पदार्थ है, बॉडी को छोड़िए, कोई मटेरियल है, इस बार आप मटेरियल बोलेंगे हम, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं। तो ये कोई मटेरियल है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है। आपने क्या किया, इस पदार्थ पर बल लगाया। सबसे पहली चीज़ डक्टिलिटी की हिंदी है तन्यता, तन्यता मतलब तनाव, ताप और तन्यता, ताप और तनाव, हमेशा इस पर तनाव बल काम करेगा, मतलब टेंसाइल फोर्स काम करेगा, इसमें कभी भी कंप्रेसिव फोर्स नहीं लगता दोस्तों। किस में? डक्टिलिटी में। इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी में आप कैसा भी फोर्स लगा सकते हैं, बॉडी को खींचने की जगह आप दबा भी सकते थे तो वो दब जाए और बल हटा लें तो फिर से उसी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए, तो वहाँ पर आप कोई भी फोर्स अप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ पर ओनली एंड ओनली टेंसाइल फोर्स काम करेगा। कौन सा? डक्टिलिटी के केस में टेंसाइल फोर्स लगता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ तो ये ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हम लिख लेंगे, टेंसाइल फोर्स काम करेगा, ठीक। पहली चीज इतना समझ आया, अब डेफिनेशन समझो। तन्यता, ता समझ आ रहा है, ताप और तार होता है, ताप और तार, तार को इंग्लिश में वायर कहते हैं, क्या कहते हैं? वायर। मैं चीज़ों को रिलेट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहेंगे। क्या? तन्यता से ही तनाव हो गया, हिंदी में अगर बात करें तो इसको तनाव कहते हैं, तनाव बल, तनाव बल,
तन्यता से क्या हो गया तनाव, और तन्यता से तार हो गया, ताफोर तन्यता, ताफोर तनाव, ताफोर तार, तीनों सीक्वेंस में आ रहे हैं ना। कहने का मतलब क्या है, किसी भी मटेरियल पर टेंसाइल फोर्स लगाकर अगर इसको हम पतले पतले तार के रूप में बना दें, इसके पतले पतले तार इतना ज़्यादा खींच दें कि ये तार में बदल जाए और टूटे ना, क्या ना हो, टूटे ना और तार बन जाए इसके पतले पतले, तो पदार्थ का ये गुण क्या हो जाएगा, डक्टिलिटी हो जाएगा, तन्यता हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, जैसे आपने आभूषण देखे हैं सभी, ज्वेलरी तो ऑब्वियसली बात है सभी ने देखी होगी। आभूषण बनाने में जो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो यही वाली प्रॉपर्टी का यूज होता है। जेई में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर कि आभूषण बनाने में कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो डक्टिलिटी का यूज करते हैं, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल वह मटेरियल होते हैं जिन पर टेंसाइल फोर्स लगाकर उनको हम पतले पतले तार के रूप में भी बना सकते हैं और वह टूटेंगे नहीं। और आपने देखे हैं गोल्ड के बहुत सारी ज्वेलरी जो बहुत पतली पतली तार के रूप में होती है ना, तो क्या कर देंगे, इस पर टेंसाइल फोर्स इतना ज़्यादा लगा दिया कि इसका थिन वायर बन गया, क्या बन गया, इसका थिन वायर बन गया टेंसाइल फोर्स लगाने के कारण, थिन वायर। ये क्या है, ये आपके पतले तार हैं, ये पतला तार बन गया, पतला तार, अंग्रेजी में कह देंगे थिन वायर। तो अब आप ये डायग्राम बना करके अच्छे से डेफिनेशन को समझा सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिस पर तनाव बल लगाकर उसको पतले तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, पदार्थ का यह गुण डक्टिलिटी कहलाता है, और यह पदार्थ जो होगा वो डक्टाइल मटेरियल कहलाएगा, तन्य पदार्थ। समझ आ रहा है सभी को, ठीक है, ये डायग्राम इसका हो गया। एक बारी मैं इसका भी लिखवा देता हूँ, फिर दोनों की डेफिनेशन साथ में नोट कर दूंगा, यहाँ आप लिख लीजिएगा। मेलेबिलिटी का मतलब क्या है, मेलेबिलिटी मतलब कोई भी मटेरियल है आपके पास, ये यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको पीटेंगे, आघात करेंगे, आघात मतलब चोट मारेंगे इसके ऊपर। आप चोट कैसे मारेंगे इसके ऊपर, आपने ले लिया एक बढ़िया सा हथौड़ा, ठीक है, आपने एक हैमर ले लिया, कोई एक हैमर, ये मैंने बस बना दिया है आपको समझने के लिए, ठीक है, ये हथौड़ा है कोई, मान लो सपोज है हथौड़ा, बाकी क्यूब था ये, उसी में से निकाल के बना दिया, समझाने के लिए है सिर्फ, ठीक है, एक हैमर है, आपने इस पदार्थ के ऊपर, इस मटेरियल के ऊपर हैमर लेके इसको पीटना शुरू किया, क्या किया, इस पर हमने चोट मारी, चोट लगा कर, या और ज़्यादा हिंदी में बोलना है तो आप ये भी कह सकते हैं पीट पीट कर, पीट पीट कर, और कुछ बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो ये भी कह सकते हैं इस पर बाई इम्पोर्ट इम्पैक्ट लोडिंग, क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट लोडिंग कर रहे हैं इसके ऊपर हम, ठीक है, इसको ऊपर से पीट रहे हैं इस तरह से। तो अब क्या करेंगे, मेलेबिलिटी में इस पदार्थ को पीट पीट के इतना पतला कर दो, इतना पतला कर दो कि इसकी सीट बन जाए पतली पतली, क्या बन जाए, पतली चादर, किसमें, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ नीचे, इस पर बहुत ज़्यादा पीटा तो इसकी क्या बन गई, इसकी पतली चादर बन गई, ये मान लिया मैंने थिन सीट है ये, पतली चादर बन गई है, इंग्लिश में इसको कह देंगे थिन सीट, क्या बन गई, थिन सीट बन गई है, पतली चादर बन गई, समझ पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं आप, यहाँ बोल सकते हैं, अरे यार ये डॉगीज ना, कोई बात नहीं, आप यहाँ समझे, क्या करेंगे आप, जब किसी भी पदार्थ पर चोट लगाकर या उसे पीट पीट कर अगर हम पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, थिन सीट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो उसे कहते हैं मेलेबिलिटी, और जब हम टेंसाइल फोर्स लगाकर पतले तार बना देते हैं तो उसे कहते हैं डक्टिलिटी। उम्मीद करते हैं दोनों डेफिनेशन आप सभी को अच्छे से समझ आ रही होंगी। अच्छा, ये जो मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ ना, यही आपको याद करने में हेल्प करेगा, तो ये ज़रूर बनाएं अपनी फेयर कॉपी में। बाकी जो मैं आपको लास्ट में लिखता हूँ डेफिनेशन, वो तो नोट करनी है, वो तो बुक में भी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये चीज़ शायद बुक में ना होगी जो हमारे माइंड को अच्छे से याद कराएगी चीज़ों को, ठीक है। एक बार इनको नोट डाउन कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने डेफिनेशंस डक्टिलिटी की और मेलेबिलिटी की आपके सामने लिख दी है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मैंने आपको समझाया था सब कुछ वही लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको डक्टिलिटी की डेफिनेशन बताई थी, क्या कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा पदार्थ पर हम टेंसाइल फोर्स लगाकर बिना टूटे इसे हम स्थायी रूप से पतले तार के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो इस पदार्थ को कहते हैं डक्टाइल मटेरियल और पदार्थ की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, ये आप समझ चुके हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपने सोना देखा है, आप सोने पर क्या कर सकते हैं, टेंसाइल फोर्स लगा के उसके बहुत पतले पतले तार बना सकते हैं, चांदी के बना सकते हैं, स्टील के वायर बना सकते हैं, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। एंड जो मैंने आपसे कहा था वो नोट में लिख दिया है कि आभूषण बनाने में हम पदार्थ की इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। सेम ऐसे ही मैंने आपको मेलेबिलिटी के बारे में बताया था। क्या बताया था कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसको हम पीट पीट कर या फिर इस पर इम्पैक्ट लोडिंग लगाकर, यानी कि इस पर चोट लगा करके हम इसको पतली चादर यानी थिन सीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पदार्थ के इस गुण को तो कहते हैं मेलेबिलिटी और इस पदार्थ को कहते हैं मेलेबल मटेरियल। ठीक है, मेलेबल मटेरियल, इसका यूज भी हम आभूषण बनाने में कर लेते हैं। और जो प्रॉपर्टी आपकी डक्टिलिटी थी, यानी इसके डक्टिलिटी के जो एग्जाम्पल थे, वो सेम टू सेम मेलेबिलिटी में भी आ जाएंगे, क्योंकि आप सोने के तार भी बना सकते हैं और सोने की सीट भी बना सकते हैं आप, ऐसी चांदी, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब एग्जाम्पल इसमें भी आएंगे। इसके अलावा लेड एक अकेला ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है, जो क्या है, जो मेलेबल तो है लेकिन डक्टाइल नहीं है। आप शीशे के कभी तार नहीं बना सकते लेकिन पतली चादरें बना सकते हैं। जैसे गाड़ियों में देखे हैं आपने सभी, शीशे लगे होते हैं तो वो सीट है, एक तरह से चादर है, ठीक है, लेकिन हम इसके तार नहीं बना सकते। तो इसीलिए लेड क्या है, लेड मेलेबल तो है लेकिन डक्टाइल नहीं है। आपको इस तरह से ये एग्जाम्पल याद रखना है। क्लियर हुआ सभी को? तो अभी के लिए इस क्लास में, जैसा कि इंट्रोडक्शन क्लास थी, पहली क्लास थी, इसमें हमने सिलेबस की भी बात की है और सोम की डेफिनेशन भी देखी थी, कुछ बेसिक चीज़ें देखी, इसके अलावा पहले चैप्टर की 5 प्रॉपर्टी भी हमने देख ली। तो अभी के लिए हम इस क्लास को इतना ही रखते हैं एंड इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक आप इनके नोट्स बनाएं अपने और इसको रिवाइज करके आएँ अगली क्लास के लिए, और कल फिर हम सेकेंड लेक्चर शूट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।